जाता है, तो जो कैंसर में दवाएं देते हैं वही आर्थराइटिस के रोगियों को देने शुरू कर देते हैं। आर्थराइटिस जब ज्यादा बढ़ जाता है तो एक एक जोड़ पर सूजन आने लगती है, फिर गांठें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको गठिया बोलते हैं, और व्यक्ति की जिंदगी ठहर जाती है। क्या करें? इसके लिए एक दो घरेलू उपाय, मेथी रात को भिगो करके सुबह खा ले, फिर इसको खा ले, अंकुरित करके खा ले, उससे ज्यादा गर्म भी नहीं लगती, नहीं तो किसी किसी को मेथी गर्म पड़ती है। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके खा ले एक एक चम्मच सुबह शाम, जितना अनुकूल आए उतना ले ले। जिनको अल्सर हो, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनको बवासीर हो, उनको ये जो उपाय है हल्दी मेथी सौंठ का, ये समझ के करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में इसको लेना चाहिए। लहसुन में एक दो कड़ी सुबह खाली पेट खा सकते हैं। मोथा घास उसका पाउडर करके एक एक चम्मच लिया जाता है, वह बहुत ही लाभप्रद होता है गठिया के रोग के लिए। गठिया के रोग के लिए एलोवेरा का जूस जबरदस्त लाभ करता है। यद्यपि गठिया के रोग के लिए हम महावात विध्वंसन रस, प्रवाल पिष्टि, बृहदवाद चिंतामणि, पूर्णानवादि मंडूर, योगराज गुग्गुल, सिंहराज गुग्गुल, त्रिदशांग गुग्गुल, इस तरह से अलग अलग प्रकार की औषधियां प्रयोग में लाते हैं। सामान्य रूप से किसी को भी जोड़ों में दर्द होता है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप योगराज गुग्गुल एक एक गोली ले लीजिए, चंद्र प्रभावटी एक एक गोली खा लीजिए, और सिराजित रसायन एक एक गोली का प्रयोग कर लीजिए। तो चंद्र प्रभावटी, योगराज गुग्गुल, सिराजित रसायन, ये हम अक्सर जिनको भी जोड़ों में दर्द होता है, गठिया की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उन सभी को हम सजेस्ट करते हैं सुबह शाम अथवा दिन में तीन बार, सुबह दोपहर शाम ये गोलियां खिलाते हैं हम। इससे लाभ होता है निश्चित रूप से आर्थराइटिस के रोगियों को। और जब बहुत ज्यादा आर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, माने आरए फैक्टर यदि 20 तक होता है तो नॉर्मल माना जाता है, 20 से नीचे नॉर्मल माना जाता है, यूरिक एसिड 7 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है, ईएसआर 15 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जिनको ये रेमिटेड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उनका ये आरए फैक्टर 500 तक पहुंच जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनको महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, फिर उसमें मोती पिष्टि मुक्ता शक्ति भस्म देते हैं, गोदंती भस्म देते हैं किसी किसी को, और उसको पुनर्नवादी मंडूर भी देते हैं, बृहदवाद चिंतामणि 1 से लेकर 2-3 ग्राम तक महीने में प्रयोग कराते हैं। तो ये जो मैंने आपको औषधियाँ बताई, इनका पाउडर करके और सबको जो है 1 महीने में इसकी पुड़िया बना करके सुबह शाम देते हैं, इसको वैद्य की परामर्श के अनुसार ले सकते हैं। तो ये लाभ करती है सब औषधियाँ। इसमें 10 मूल क्वाथ भी देते हैं, फिनंतक क्वाथ भी उबाल करके पिला देते हैं, बहुत से उपाय हैं। निर्गुंडी का रस पिला देते हैं, वह भी बहुत लाभप्रद होता है जोड़ों के दर्द के लिए। लेकिन इसमें एलोवेरा का जूस, मैंने कहा ये अद्भुत होता है, 4-4 चम्मच एलोवेरा का जूस 2 या 3 बार पिया जाए। खट्टी चीज़ों का परहेज कराते हैं, उनको नहीं खाने देते हैं, और खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, भारी चीज़ों से बचते हैं, और प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं। कपाल भांति अनुलोम विलोम हम आधा आधा घंटा करा देते हैं जब आर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो कपाल भांति अनुलोम विलोम करने से आर इफेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ जाता है, ईएसआर भी एकदम नॉर्मल आ जाता है, और गाउट की प्रॉब्लम तो दूर हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, बहुत जबरदस्त लाभ होता है। कपाल भांति अनुलोम विलोम प्राणायाम आर्थराइटिस के रोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जब जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हाथों में पैरों में, ये हाथों में भी जो पीछे की चैनल्स होते हैं अंगुलियों के, और इनमें ऐसे ऐसे दबाते हैं, और पैरों में भी ये जो पीछे के ये जो चैनल्स होते हैं इसमें दबा देते हैं, तो इससे कहीं पर भी जो दर्द होता है उसमें विशेष रूप से लाभ होता है। ये मास्टर पॉइंट होता है रिंग फिंगर के टॉप पर, यहाँ से दबाते हैं तो इससे भी जबरदस्त लाभ होता है आर्थराइटिस के रोग में। और हमने आर्थराइटिस को मात्र कंट्रोल ही नहीं किया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का हमने आर्थराइटिस क्योर भी किया। योग, आयुर्वेद के प्रयोग से और प्राकृतिक चिकित्सा से क्योर किया है। धन्यवाद, थैंक यू।